भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के साथ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सर्विस मीट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अफसरों को संबोधित करते हुए देश के प्रति उनके जज्बे और समर्पण को सराहा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आईपीएस सर्विस मीट का सीएम शिवराज ने शुभारंभ किया और पुलिस अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे याद है दो अधिकारी थे जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं और तब उनको बुलाकर बातचीत हुई थी कि डकैती कैसे खत्म करें, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी, जिनके नाम हम तय करें वही पोस्ट हो और उनके काम में कोई इंटरफेयर ना करे। शिवराज ने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है दोनों जोन में से एक जगह से सिंह साहब को भेजा गया था और दूसरी तरफ से यादव जी को भेजा गया था और कह दिया गया था कि TI के लिए तय कर ले और वहां पर जिसकी जरूरत है वो ले ले, जो उन्हें मांगे वह दे। उसके बाद साल भर भी नहीं लगा होगा, 6 महीने के अंदर सारे डकैतों के गिरोह समाप्त हो गए और तब से आज तक पनपे ही नहीं। वहीं आईपीएस सर्विस मीट के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इससे पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आतंक था। मालवा में सिमी का नेटवर्क था तो वहीं बालाघाट में नक्सलाइट था और फिर सिंगम जैसा अवतार सीएम शिवराज सिंह चौहान का हुआ। मिश्रा ने कहा, आपको जानकर अचंभा होगा कि आज मध्य प्रदेश में एक भी संगठित गिरोह नहीं है। इलाके वो है जहाँ किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ आतंक था। हजरत का, हन्नी का, राम बाबू का, दयाराम का, निर्भय का, जगजीवन का, ठोकिया का, ददुआ का, मालवा में सिमी का नेटवर्क था तो बालाघाट में नक्सलाइट का था और फिर लगभग सिंघम जैसा अवतार सीएम का हुआ। और आपको ये जान के अचंभा होगा कि आज मध्य प्रदेश में एक भी संगठित गिरोह है ही नहीं। तो मुझे एक ही बात कही थी कि जिनके नाम तय करें वो पोस्ट हो जाए और उनके काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो मुझे अच्छी तरह याद है दोनों जोन जोन में एक जगह सरबजीत सिंह जी को भेजा था, एक जगह विजय यादव जी को भेजा था और कह दिया था कि जो TI चाहिए तय कर हुआ, जो चाहिए ले और जो उन्हें मांगे वो दे दिए। मुझे लगा साल भर भी नहीं लगा, विद इन 6 मंथ सारे डकैतों के बड़े गिरोह समाप्त हो गए, तब से आज तक पनपे नहीं है, कोई धारा नहीं है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।